करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कॉरिडोर धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर दो पड़ोसियों यानी भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस ऐतिहासिक स्थल के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? आइए जानें करतारपुर कॉरिडोर क्यों, कब और कैसे और भारत पाक के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या है करतारपुर कॉरिडोर? व्हाट इज करतारपुर कॉरिडोर? पहला सवाल, सबसे पहले यह कॉरिडोर क्या है? तो करतारपुर कॉरिडोर एक वीजा फ्री सीमा पार है जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत की सीमा से जोड़ता है। कॉरिडोर का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भारत के श्रद्धालु करतारपुर में गुरुद्वारे के दर्शन कर सके, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तान की ओर से लगभग 4.7 किलोमीटर दूर बिना वीजा के है। करतारपुर कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर पहली बार 1999 में दोनों देशों के तत्कालीन नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच चर्चा हुई थी। लेकिन 26 नवंबर 2018 को भारत की ओर से और 28 नवंबर 2018 को पाकिस्तान की ओर से आधारशिला रखी गई थी। इस कॉरिडोर को 2019 में पूरा किया गया था और तीर्थयात्रियों के लिए 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए खोला गया था। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा के कारण यह जगह दुनिया भर के सिखों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। यह सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे, जिन्होंने 1504 में करतारपुर की स्थापना की और 1539 में उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। बाद में उनकी याद में रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा की स्थापना की गई। 1947 में विभाजन के दौरान इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था और करतारपुर पाकिस्तान में चला गया था। विभाजन के कई वर्षों बाद भारतीय सिख जस्सर ब्रिज को पार करके अनौपचारिक रूप से करतारपुर जाने में सक्षम थे, लेकिन बाद में 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पुल को नष्ट कर दिया गया था। वर्षों बाद दोनों देशों के नेताओं ने इसे बनाने का फैसला किया। भारतीय सिखों के लिए गुरुद्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। केवल भारतीय निवासी या विदेशी नागरिक ही कॉरिडोर से यात्रा कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को अनुमति नहीं है। कॉरिडोर यात्रा के 15 दिनों के बाद आप दोबारा इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन